नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जब किसी की किडनी फेल होती है और वो बंदा जब डायलिसिस पे होता है तो उसको हेल्दी रहने के लिए, उसको फिट रहने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहली चीज कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और दूसरी चीज कि उसको पानी पीने में पूरा कंट्रोल रखना है। जैसे कि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है दोस्तों, तो पानी पीने में कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही हार्ड चीज भी है, बहुत ही टफ भी है, बहुत ही मुश्किल खड़ी होती है दोस्तों। मैं जानता हूं गर्मियों में प्यास बार बार लगती है, लेकिन फिर भी जो इंसान डायलिसिस पे है, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, उनको पानी पीने में पूरा कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर पानी ज्यादा पी लिया डायलिसिस पेशेंट ने तो वो पानी बाहर तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। अगर यूरिन हो भी रहा है तो उसमें क्रिएटिनिन बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए वो पानी जब तक बॉडी में है तब तक वो कचरा जो क्रिएटिनिन है वो बॉडी में हर जगह घूमता रहता है और दूसरे ऑर्गन्स को वो हानि पहुंचाता रहता है, दूसरे ऑर्गन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो जो पानी बॉडी में है वो चेस्ट में या पेट में भर जाता है तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसका सीरियस रिजल्ट भी हो सकता है। इसलिए पानी पीने में कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों गर्मियों में डायलिसिस पेशेंट किस तरह से पानी पीने में कंट्रोल कर सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं जो मैंने खुद जब मैं डायलिसिस पे था 1.5 साल तक, मैंने 2 गर्मियों की सीजन उस वक्त निकाली थी और किस तरह से मैंने पानी पीने में कंट्रोल किया था, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये सारी टिप्स मैंने खुद यूज की है। तो वही टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बेशक यूजफुल रहेगी। तो अगर आप डायलिसिस पे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। दोस्तों जब पानी पीने में कंट्रोल की बात आती है तो 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये कि हमें प्यास ही कम लगे, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा कि जब प्यास लगे तो पानी कितना पीना चाहिए और किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज पे बात करते हैं कि प्यास हमें कम लगे ऐसा किस तरह से किया जा सकता है। पहला तरीका है दोस्तों खाने पीने में ध्यान रखना। कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें होती है जो हम खाते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसमें खास करके बात आती है नमक की। नमक आपको कम से कम खाना है, जब भी आप नमक वाला खाना खाते हो तो उसके बाद बार बार आपको प्यास लगती है। दूसरा स्वीट खाना, शक्कर वाला खाना, जब भी आप शक्कर वाला खाना खाओगे तब भी आपको बार बार प्यास लगेगी। फिर है ऑयली, कुछ भी फ्राइड चीज आप खाते हो तो भी बार बार प्यास लगती है। मैदे की कोई चीज, पाव ब्रेड ऐसी कोई चीज खाते हो तो भी आपको बार बार प्यास लगती है। तो आपको जब डायलिसिस पे हो और पानी पीने में आपको कंट्रोल करना है तो ये सारी चीजों पे आपको कंट्रोल करना है। वैसे भी ये सारी चीजें बॉडी के लिए हार्मफुल है ही, तो आपको ये ज्यादा नमक वाला खाना, ज्यादा शक्कर वाला खाना, ऑयली खाना, मैदा, ये सब अवॉइड करना है। तो अगर जब आप ये सारी चीजें अवॉइड करोगे खानों में तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी ही नहीं। दूसरी चीज दोस्तों बात करते हैं कि प्यास हमें कब लगती है, जब हमारा बॉडी गर्म होता है तब हमें ज्यादा प्यास लगती है। तो आपको बॉडी को गर्म नहीं होने देना, यानी कि आपको ठंडे माहौल में रहना है, आपको ज्यादा धूप में नहीं जाना। धूप में जाते हैं तो क्या होता है, पसीना भी बहता है बॉडी में, जो भी हमारा मॉइस्चर बना हुआ है वो सारा खत्म हो जाता है और बॉडी को जरूरत पड़ती है पानी की और आपको प्यास लगती है। तो आपको पसीना हो, आपको गर्मी लगे, ऐसी कोई भी जगह पर आपको नहीं जाना है। आपको हो सके तो एसी वाले कमरे में रहना है, और अगर एसी ना हो दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पंखे के नीचे बैठिए, ठंडे ठंडी जगह पर ठंडे कमरे में बैठिए और खुद को गर्मी ना लगे, इस तरह की आपको कोशिश करनी है। तीसरी चीज दोस्तों कि आपको हमेशा बिजी रहना है, यानी कि आप अगर बैठे रहोगे, अपनी किडनी की समस्या के बारे में चिंता करते रहोगे, आप फ्री रहोगे तो आपको प्यास लगेगी। आप अगर बिजी रहोगे, आपको कुछ करने का मन कर रहा है, कोई चीज आपको करना अच्छा लगता है, तो उसमें अपने आप को आप बिजी कर लो। जब आप अपनी कोई फेवरेट चीज करते हो, फेवरेट कोई काम करते हो, तो आपका ध्यान उस काम में लग जाता है और आप पानी को भूल जाओगे। तो आपको इस तरह से करना है कि आपको बस बिजी रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ काम करना है, चाहे आपके कोई पसंद का कोई स्पोर्ट हो, कोई गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, कॉमेडी कोई शो देखते हो टीवी पे, ऐसा कुछ काम कीजिए जिसमें आपका ध्यान लगे और आप पानी को भूल जाए। दूसरा दोस्तों कि जब हम फ्रेश होते हैं तब हमको कम प्यास लगती है, और अब जब फ्रेश नहीं होते तब हमको ज्यादा प्यास लगती है। तो आपको फ्रेश रहने की कोशिश करना है, वो किस तरह से कर सकते हो, आप बार बार मुंह धो सकते हो, फेस वॉश कीजिए, बार बार गागल कीजिए, माउथ वॉश कीजिए,
तो आपका फेस जो है वो फ्रेश रहेगा, आपको फ्रेशनेस फील होगी, ताजगी महसूस होगी और आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर गर्मियों में ये भी कर सकते हो कि आप दिन में 2 बार नहाइए, जब 2 बार नहाते हो तो बॉडी का टेम्परेचर आपका बैलेंस्ड रहेगा, आप फ्रेश रहोगे तो आपको पानी पीने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया कि किस तरह से आपको ज्यादा प्यास ना लगे, इसके तरीके हो गए। अब हम बात करते हैं कि जब प्यास लगती है तो पानी कितना पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए, किस तरह से ये चीज को आपको मेंटेन करना चाहिए। पहली बात दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि भाई हम तो दवाई लेते हैं उसमें ही बहुत सारा पानी पीना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिस की चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे कम पानी में दवाई लेने की तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो उसको हम जैसी आदत डालते हैं वैसी हो जाती है। तो आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा ग्लास में पानी लो और उसके साथ आपकी जो भी 2-3 टेबलेट है वो एक साथ ले लो। मैं ऐसा ही करता था, मैं इतना सा पानी लेता था, उसके साथ मैं 5-6 गोलियां जो भी मुझे लेनी होती थी वो सारी की सारी एक साथ ले लेता था। स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्राई करोगे वैसे वैसे ये पॉसिबल है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि भाई एक गोली निगलने में आप पूरा ग्लास पी जाओ, अगर ऐसा करोगे तो भी पानी तो ज्यादा शरीर में जाएगा ही, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसके साथ 2-3-4 जितनी भी आपकी टेबलेट है वो ज्यादातर एक साथ लेने की आप कोशिश कीजिए। कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे ये आपकी आदत बन जाएगी दोस्तों। फिर जब भी आपको प्यास लगती है तो आपको गुनगुना पानी, गर्म पानी ऐसा कुछ नहीं पीना है, हल्का सा ठंडा पानी होना चाहिए, ज्यादा चिल्ड भी नहीं, हल्का सा ठंडा पानी होना चाहिए। या फिर आप मिक्स भी कर सकते हो, मटके का पानी और फ्रिज का थोड़ा सा पानी इस तरह से मिक्स भी कर सकते हो। मिक्स करके जब आप पियोगे तो आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, थोड़े से पानी में आपकी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि हल्का सा ठंडा होगा तो एक जो हमारी इच्छा होती है ना पानी पीने की वो जल्दी से तृप्त हो जाएगी। तो आप पानी लीजिए, हल्का सा मिक्स कीजिए और पिए। दूसरी चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है कि आप पानी नहीं पीना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, ऐसा करके आप बहुत ही कम पानी पियोगे तो क्या होगा, आपकी प्यास बुझेगी ही नहीं और बार बार आपको प्यास लगेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी आपको प्यास लगे तब थोड़ा सा पानी पी लीजिए, यानी कि कम से कम आधा ग्लास पानी पी लीजिए, आधे ग्लास से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, आधा ग्लास पानी पी लीजिए ताकि आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी। आधा ग्लास आपने पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, उसके बाद आपकी नजरों से पानी की हर चीजें हटा दीजिए, पानी की बोतल हटा दीजिए, पानी का जग हटा दीजिए, पानी की कोई चीज आपकी नजरों के सामने मत रखिए और फिर से आप अपने आप को बिजी कर लीजिए, अपना जो काम कर रहे थे उस काम में आप लग जाइए। और एक प्लान बनाना है आपको, प्लान किस तरह से बनाना है, जैसे कि आपने दोपहर को 1 बजे पानी पिया आधा ग्लास, तो उसके बाद आपका प्लान ये होना चाहिए कि 3 बजे तक या फिर 4 बजे तक मुझे पानी नहीं पीना है। उसके बीच अगर आपको प्यास भी लग जाए तो आपको अपना जो प्लान बनाया था वो प्लान को फॉलो करना है, उस प्लान को स्टिकी रहना है कि भी 4 बजे तो अब बस 4 बजे ही पानी पीऊंगा। इस तरह से आप प्लान बनाना है कि सुबह 9 बजे थोड़ा पीऊंगा, उसके बाद बहुत प्यास लगेगी तो 11-11.30 बजे, अगर प्यास नहीं लगेगी तो वेरी गुड नहीं पीऊंगा, प्यास लगेगी तो 2-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पीऊंगा। इस तरह का कुछ आप प्लान बना सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप मैनेज करोगे तो आप कम पानी में भी चला सकते हो, कम पानी में भी आपकी प्यास बुझा सकते हो। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि जब आपको प्यास लगे तो कोई आप कैंडी ले लो, कोई भी आप टॉफी ले लो, उसको मुंह में रखो। आप बर्फ का छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हो, उसमें उसको भी मुंह में रख सकते हो। इस तरह से वो बर्फ का टुकड़ा जब तक मेल्ट नहीं होगा, या फिर आपने वो कैंडी या टॉफी मुंह में रखी है तो जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक आपको प्यास नहीं लगेगी। तो ये काफी अच्छा तरीका है, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो और आपको डेफिनेटली ये बहुत ही मददगार साबित होगा आपके लिए, आपकी प्यास जल्दी बुझाएगा, कम पानी में बुझा सकेगा। दोस्तों जरूरी नहीं कि ये सारे तरीके सभी के लिए काम करे, खास करके जो मेन चीज है वो आपके दिमाग की चीज है, आपको ये समझना चाहिए कि पानी अभी आपके लिए अच्छा नहीं है। नो डाउट पानी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, सभी लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी किडनी अगर काम नहीं कर रही, डॉक्टर ने आपको मना किया है, तो आपके लिए पानी दुश्मन समान है, पानी को दुश्मन मानो। मैं जब डायलिसिस पे था, मुझे पानी नहीं पीना होता था, तो मैं पानी को दुश्मन समझता था कि भाई पानी मेरे लिए अच्छा नहीं है, पानी मेरा कुछ खराब करने वाला है, मुझे बीमार करेगा। तो इस तरह से आपको सोचना है, जो कुछ भी है दिमाग पे है आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई मुझे पानी पे पूरा कंट्रोल रखना है। अच्छे से मैनेज कीजिए, अपना जो विल पावर है वो स्ट्रांग रखिए कि भाई मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, और इसी तरह से हेल्दी रहकर ही आप ट्रांसप्लांट तक पहुंच पाओगे। और अगर आपको बहुत प्यास लगती है, आप पानी पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो,
तो कृपया सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। ट्रांसप्लांट के बाद तो खुद डॉक्टर बोलते हैं कि जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो। दोस्तों ये आज़ादी पानी पीने की जो मिलती है ट्रांसप्लांट के बाद वो बहुत बहुत अच्छी लगती है हमको। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी करके जो भी छोटी बड़ी आपको परेशानियां आ रही है ट्रांसप्लांट करवाने में उसको ओवरकम कीजिए, उसको कैसे भी करके लड़ लीजिए और बस ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक पानी पे बहुत ही कंट्रोल रखना है, बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है और ये आप कर सकते हो। तो आज से ये कंप्लेन करना बंद कर दीजिए कि मुझे प्यास बहुत लगती है, मैं क्या करूं, पानी पीना पड़ता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सब कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। अगर आप चाहोगे कि हाँ मुझे पानी पे कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों हमारी बॉडी ऐसी है कि जैसी आदत डालोगे वैसी आदत उसको पड़ जाएगी, वो उसमें आदी हो जाएगा, तो फिर आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस एक बार ठान लीजिए कि मुझे पानी कम पीना है और प्लान बनाइए, और जो कुछ भी मैंने टिप्स दी है उसमें से जो भी आपको यूजफुल लगे वो आप यूज कर सकते हो। इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।